नमस्कार दोस्तों, अभी तक दो क्लास हम ले चुके हैं। ये हमारी तीसरी क्लास है और इसमें मैंने बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के इसमें क्वेश्चन डाले हुए हैं। हमने इसमें दिया भी है कि स्कोर हम 100% करेंगे, तो हम परसेंटेज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। सवाल भी वो दिए हैं जो जो सवाल परीक्षा में आएंगे, आप इसका ध्यान दें। और अभी तक हम टाइप 7 कर चुके हैं। ये हमारा टाइप है, ये हमारा टाइप जो है वो 8 टाइप है। अभी तक हम 7 टाइप तक हम कर चुके हैं। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, उसने कहा राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर और 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि महीने के अंत में उसकी बचत इतने रुपए है, क्या इसकी बचत इतने रुपए है, तो मासिक वेतन कितना होगा। बहुत सिंपल तरीके से अपन इसको करेंगे। तो उसने कहा है कि 40% भोजन पर, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि भोजन पर वो जो खर्च कर रहा है वो कर रहा है 40% भोजन पर उसने किया 40% खर्च। फिर उसने कहा किराए पर, तो किराए पर जो खर्च किया उसने, किराए पर जो खर्च किया वो किया कितना 20%। और मनोरंजन पर उसने जो खर्च किया, मनोरंजन पे जो खर्च किया वो किया 10%। आगे उसने दिया यातायात पर, यातायात पर जो खर्च किया वो उसने किया 10%। टोटल उसने अपनी सैलरी का जो खर्च किया, तो आपने मान लिया कि 100% उसकी सैलरी है, वेतन है, और उसने टोटल जो परसेंट खर्च किया वो खर्च किया है कितना है कि 40, 20, 60, 70, 80, मतलब 80% उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास जो बचा है वो कितना बचा है, कुल का 20% बचा है। तो उसने ये कहा कि बचत उसकी है 1500 रुपये, और इधर 80% उसने क्या कर लिया, खर्च कर लिया। अब 1500 रुपये उसके पास बचे हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें कि 20% इसका बच गया, तो 20% इधर बचा उसका, और उसके पास पैसे कितने बचे 1500 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि 20% के बराबर 1500 रुपये हो जाएगा। फिर उसने आगे उसने पूछा है कि मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन तो उसका कितना था 100% था। मासिक वेतन कितना लिया अपन ने 100%, तो अब वो पूछ रहा है कि कितना वेतन है, तो अपन यहाँ क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल है ना, 20 से इसको काटो, कितनी बार कटाई 5 बार, 5 कैसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 × 5 = 75, मतलब 7500 रुपये हमारा ये आंसर आ गया, 7500। तो उसका जो वेतन था वो था 7500। अब इस तरीके से हम अगला सवाल पे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगर हम चाहते तो इसको हम डायरेक्ट इसको जोड़ करके ऐड करके हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, तो इसकी हमें कोई आवश्यकता थी नहीं। लेकिन आप इसको समझने के लिए आप इसको नोट कर लें, है ना, साथ में नोट करते रहें, जिससे क्या है कि हमें आगे पढ़ने में बड़ा आसानी होगी। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुजीत। सुजीत अपने वेतन का 30% भोजन पर खर्च करता है, 3% दान कर देता है, है ना, 2 उद्देश्यों पर उसने इतने रुपए खर्च किए। उसने कहा कि 30% भोजन पर खर्च किया, 3% दान कर दिया, मतलब उसने जो टोटल जो सैलरी थी उसकी 100%, तो 100% में से उसने 33% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 33% क्या कर दिया उसने, खर्च कर दिया। इधर कह रहा है 2 उद्देश्यों पर उसने जो पैसा खर्च किया है वो खर्च किया है 2310 रुपये, तो 2310 रुपये इधर खर्च किया है, उधर कह रहा है 33% खर्च किया है। तो दोनों चीज़ कैसी हैं, इक्वल है, मतलब कैसी हैं, बराबर हैं। जब दोनों चीज़ बराबर हैं तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 33% बराबर कितना हो जाएगा इक्वल में 2310। ठीक, अब उसने बोला है तो उसका मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन उसका है 100%, मासिक वेतन है उसका 100% के बराबर क्या हो जाएगा x, परसेंट से परसेंट कैंसिल और 33 से इसको काटो, है ना, तो 3 × 3 = 21, 3 × 7 = 21, तो ये कितनी बार कट गया 7 बार, तो x बराबर हमारा ये 0 है तो 0 रहेगा, तो ये आ जाएगा 7000। तो जो आंसर निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया, 7000 आंसर निकल के आया। तो इसमें ऑप्शन में होगा कहीं 7000, जरा ऑप्शन 7000।
ठीक है, तो इसको साथ में ही नोट कर लें। अब हम जितने भी सवाल करेंगे तो ज़्यादा अपन कैलकुलेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे और डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स, मिस्टर एक्स कोई एक व्यक्ति है, मिस्टर एक्स वो 33% भोजन पर खर्च करते हैं, 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं और जनवरी 2021 में उन्होंने इन दोनों मदों पर इतना रुपए खर्च किया। इसका मतलब क्या हुआ कि 35% भोजन पर किया, 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, तो टोटल जो खर्च किया, तो टोटल उसने जो खर्च किया है वो किया है 40% खर्च। और उधर जो कह रहा है कि हमने इतना रुपए खर्च किया, तो 40% के बराबर वो रुपए पूरा खर्च हुआ, तो 40% के बराबर हो जाएगा 17,600। ठीक है, बटा यहाँ रहेगा अपना x वैल्यू, यहाँ रहेगा अपना 100%। आप इसको कर सकते हो जल्दी से परसेंट कटा, जीरो से जीरो कटा, चार से अपने सौ काट दो, चार चौके 16, चार चौके 16 डबल जीरो है ये। अब ये हो जाएगा x बराबर डबल 4 और 000, क्योंकि इस जीरो का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 000 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 44,000, मतलब बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक, इसको साथ में करें, जल्दी करें। ठीक, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये हमने टाइप, देखो क्या है, मैं आपको टाइप वाइज करा रहे हैं, आपको मैं पीडीएफ भी इसकी भेज दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसकी पीडीएफ भी आप किसी भी साइबर कैफे से या कहीं से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, आप अब हम टाइप नंबर 9 पढ़ते हैं। तो टाइप नंबर 9 में क्या है, हम देखते हैं टाइप नंबर 9 में क्या है। क्वेश्चन है, उसने कहा एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े लड़के को, है ना, बड़े बेटे को देता है। फिर उसने कहा उसी शेष जो आय बची, शेष आय को छोटे बेटे को दे देता है वो 30%, और शेष फिर उसके बाद भी शेष और बच रही है उसमें से 10% ट्रस्ट को दान दे देता है। तो अब बताइए उसके पास इतने रुपए शेष बचते हैं तो उसकी आय कितनी थी, तो उसकी हमें क्या बताना है, आय बताना है उसकी कितनी थी। तो हमने इसमें देखा इसको दो तरीके से कर सकते, कई तरीके से कर सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, अपन उसको मानते हैं 100%। ठीक है, सैलरी कितनी है उसके पास, 100%। 20% बड़े बेटे को दे दी, तो 20% यदि बड़े बेटे को दे दी तो उसके पास बची कितनी, 80%। उसके पास बची 80% सैलरी। ठीक है, अब उसके पास शेष आय का, शेष आय है कितनी, 80। शेष आय कितनी, 80 है। अब शेष आय का 30% छोटे बेटे को दे दी, तो शेष आय का 30%, तो इसका अपन 30% निकालते हैं। तो 30% इसका निकालेंगे तो जो हो जाएगा 3 जी कट गया, 00 8 3 24, मतलब 24% से बेटे को, छोटे बेटे को दी, तो 80 में से अपन 24 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, 80 में से अपन ने 24 को माइनस किया तो क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 10 में से 4 जाएंगे 6 बचेंगे, इधर कितना बचेगा 5, मतलब ये हमारे पास बच गया 56%। ठीक है, फिर उसने और कहा, और क्या कहा उसने कि शेष जो राशि बची, मतलब कितनी बची है, 56%, तो 56% में से 10% ट्रस्ट को दान दिए, 10% किसको दान दिए, 10% उसने ट्रस्ट को दान दिए, तो 10% वो ट्रस्ट को दान दे रहा है, तो क्या करते हैं, किस में से दे रहा है वो, 56 में से, तो 56 में से उसने 10% ट्रस्ट को दान कर दी, तो 10% इसका निकालेंगे अपन, तो 10% का क्या हो जाएगा, इसका 0 से 0 कैंसिल और 10 का इसमें भाग दिया तो जी आ जाएगा कितना, 5.6। ठीक है, अब 5.6% किसको दे दी, दान दे दी। अब उसके पास बचा कितना, अब उसके पास जो वैल्यू बची वो बची कितनी थी, यहाँ पर थी 56 में से 5.6 उसने दान दे दी। ठीक है ना, अब उसके पास बचेगी कितनी, तो यहाँ देखते हैं 56 माइनस 5.6, तो इसके पास बची, इसके पास बच जाएगी 50 और ये 6 माइनस हो जाएगा तो इसमें बचाएगा 50.4% उसके पास क्या बची, उसका परसेंटेज बचा, मतलब उसका सैलरी का। ठीक, अब उसने कहा कि इतना शेष रुपए बचा है और इतना परसेंट में बचा है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें कर देंगे
कि ये दोनों वैल्यू कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ लिखते हैं 50.4% और उसने कह दिया 1,000, 10,000, 80 रुपये, है ना। अब वो पूछ क्या रहा है कि उसकी आय कितनी है, तो आय तो उसकी 100% थी ना, उसकी आय कितनी है 100%, तो यहाँ अपन क्या मान लें x, तो x वैल्यू उसकी निकल आएगी, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया और पॉइंट हटेगा तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा, एक जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा नीचे, ठीक है। अब 504 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार गया, 1008 में, मतलब दो बार गया, ठीक है। ये जीरो है, ये जीरो रहेगा, ठीक। अब दो का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू जीरो, एक दो तीन जीरो इधर से आ जाएंगे, तो हमारा जो हो जाएगा 20,000 रुपये हो जाएगा, ठीक। इसका आंसर आ जाएगा 20,000 रुपये, मतलब ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी आंसर, ठीक। इसको नोट करें, जल्दी से जल्दी नोट करें, फिर हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी हम इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं कि अपन इसको दूसरे तरीके से और कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आप इसको करिएगा, नोट करिएगा इसको। देखिए अब अपन इसको दूसरा तरीका देखते हैं, इसका दूसरा तरीका क्या है, नहीं इसी का दूसरा देखते हैं पहले। देखिए दूसरा क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का, तो उसकी आय हम कितनी मान लें, आय हम मान लेते हैं उसकी 100% मान लेते हैं, या फिर आप कोई वैल्यू मान लो, एक्स मान लो। तो हमने क्या किया, एक्स मान लिया, ठीक। उसने कहा 20% बड़े बेटे को दिया, तो 20% बड़े बेटे को दे दिया एक्स में से, तो बचा फिर कितना 80%, तो 80% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। फिर छोटे बेटे को दे दिया 30%, तो फिर बचा कितना 70%। अब शेष का, शेष राशि का 10% उसने ट्रस्ट में दे दिया, तो इस पूरे का कितना बच जाएगा 90% बच जाएगा, ठीक है। फिर उसने कहा, फिर उसके पास जो पैसा बचता है वो पूरा इधर इतना परसेंट में बच गया, और इधर कितना बच जाएगा उसका, इधर बच जाएगा 10,080 रुपये इसका इधर बच गया, 10,080 इधर बच गया इसका, ठीक है ना। अब जी हाँ की वैल्यू, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो जो दो जीरो, ये दो जीरो कट गए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, है ना। अब इसको काटते हैं, 9 से काटो, 9 एक 9 यहाँ बचा एक, 9 एक 9 एक बचा, 9 दूनी 18 और ये जीरो आ गया। 7 8 कितना हो गया 56, 7 8 56 और 56 दूनी कितना हो जाएगा 112, तो एक्स्ट्रा 2 जीरो आ जाएगा। अब 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, तो अपनी जो ये वाली वैल्यू जाएगी उधर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो x बराबर जो हमारा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आ जाएगा 20,000। तो आंसर हो गया ये कितना 20,000। तो हम इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसको भी नोट कर। क्या है, एक व्यक्ति के पास कुछ धन है, एक व्यक्ति के पास क्या है, कुछ धन है, ठीक। वो कह रहा है कि उस धन का 20% वस्तु को खर्च करने में करता है, कोई वस्तु है उसको 20% खर्च कर देता है। तो मान लेते हैं उसके पास जो धन है, वो धन है उसके पास धन है 100%, 100 में से 20% उसने खर्च कर दिया। अब उसके पास जो धन बचा वो बचा कितना 80%, उसके पास क्या बचा, धन बचा। फिर उसने कहा कि शेष धन का 5% यातायात पर खर्च करता है वो, तो शेष धन का 5%, धन बचा कितना है 80%, 80 में से वो 5% धन यातायात पर खर्च करता है। तो 20 से काटा, 20 चौके 80 और 20 पंचे 100, 5 से 5 कटा, मतलब 4% उसने यातायात पर खर्च किया, ठीक। अब 80 में से 4% उसने यातायात पर खर्च किया है, 80 में से 4% उसने यातायात पर खर्च किया, अब जो बचेगा वो बचेगा 76%, उसके पास ये अब शेष बचा, ठीक। फिर वो कहता है कि उसने 120 रुपये उपहार में दे दिए, 120 रुपये किस में दे दिए, उपहार में दे दिए, यदि उसके पास अभी 1400 रुपये शेष हैं, तो 1400 रुपये ये शेष हैं और 120 उपहार में दे दिए, तो 1520 रुपये ये उसके किसके बराबर हो जाएंगे, 76% के बराबर हो जाएंगे।
फिर उसने कहा कि यातायात पर कुल खर्चा कितना हुआ। अब उसने पूछा है कि यातायात पर कुल खर्चा कितना हुआ है, तो हमने ये देखा यातायात पर यहाँ 4% खर्च हुआ है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 4% जो खर्च हुआ है वो यातायात पर खर्च हुआ है, और उधर उसने उपहार में दे दिए 120 और 1400 रुपये ये हैं, तो 1520 रुपये इसके जो बचे हैं टोटल किसके बराबर, 76% के बराबर। तो यहाँ यातायात पर कितना खर्च हुआ है, तो हमने मान लिया x रुपये उसके उसमें खर्च हुआ है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4%। तो इसको हम काटते हैं जीरो से, वो परसेंट से परसेंट काटा, ठीक है ना। अब इसे हम काटते हैं चार से काटा, या फिर इसको काटते 76 से इसको काटते हैं, 7 × 2 = 14, ये कट गया कितनी बार, 2 बार कट गया ये, है ना। 76/2 152 आ जाएगा, इसका से मल्टीप्लाई हुआ तो x बराबर जो वैल्यू आई वो आ गई 80। 20 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 × 4 कितना हो गया, 80। तो हमारा जो आंसर निकल के आया यातायात पर खर्च जो हुआ है वो हुआ है 80 रुपये, तो आंसर हो जाएगा 80 रुपये, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ में नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिस्टर कपूर हैं, कुल वेतन का 20% घर के किराए पर खर्च करते हैं। तो कुल वेतन है कितना इनका कुल वेतन है 100%, और 20% इन्होंने खर्च कर दिया। अब इनके पास बचा कितना, 80% इनके पास बचा। 80% में से शेष जो है वो 70% घरेलू मदों पर खर्च करते हैं वो। तो 80 में से उन्होंने खर्च कर दिया 70%, तो अब उनके पास जो बचेगा वो 00 से 00 कैंसिल हो गए, 7-8 होते हैं कितने, 56। तो 56% उसके पास ये बचा, तो 80 में से 56 इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। तो अब इसके पास जो धन बचा वो बचा कितना, 24%। तो 24% उसके पास बचत हुई। अब वो कह रहा है इधर जो बचत दे रहा है वो कह रहा है 1800 रुपये की बचत हुई है, इधर परसेंट में 24% है बचत, इधर 1800 रुपये बचत है, तो दोनों ये कैसे हैं, इक्वल है। तो क्या हो जाएगा कि 24% 1800 के बराबर हो जाएगा। इधर उसने कहा है कि कुल वेतन बताइए, उसका वेतन कितना है, तो वेतन तो 100% है, तो वेतन कितना है 100%। तो यह हम क्या मान लें, एक्स वैल्यू मान लेते हैं, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ठीक। 6 से काटा, 6 × 4 = 24, 6 से काटा, 6 × 3 = 18। अब इसको क्या करते हैं, 4 से इसको काट देते हैं, कितना आ गया 25, और 25 के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 × 3 = 75, मतलब एक्स बराबर जो आ जाएगा वो 7500। तो 7500 रुपये है हमारा आगे, तो आंसर हो जाएगा 7500, आंसर डी, इसको नोट कर लेना साथ में ही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, मतलब टोटल है 100%, जिसमें से 50% पुत्र को और 30% भाग पुत्री को देता है, 80% दे दिया, तो उसके पास बचा कितना, 20% बचा। शेष राशि का 80% भाग ट्रस्ट में जमा करता है। तो देखो 50% उसने डायरेक्ट दे दिया, फिर 30% दिया, 80% उसने दे दिया, अब उसके पास जो बचत हुई वो हो गई कितनी, 20%। अब 20% जो शेष बचा है उसमें से 80% किसको दान करता है, एक ट्रस्ट को दान करता है, किसको दान करता है, ट्रस्ट को। तो 20 में से 80% उसने ट्रस्ट को ये दान कर दिया, तो 2 × 0 = 2 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, 1 × 0 = 2, ठीक। अब 8 × 2 कितना हो जाएगा, ये 16। अब उसके पास जो धन बचा कितना है, ये 16। अब 20 में से 16 माइनस कर दिया इसका, तो 20 में से 16 ये माइनस होगा, तो ये कितना बच जाएगा, 20 - 16, तो ये बच जाएगा 4%। अब उसके पास जो धन बचा है वो बचा है 4%।
अब उधर कह रहा है कि यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे, वो कह रहा है यदि अब उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचे हैं, तो मतलब इधर कह रहा है 4% बची हैं, उधर कह रहा है 16,000 बची हैं, तो दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है ना। तो 4% और ये किसके बराबर हो जाएंगे, 16,000 रुपए के बराबर हो जाएंगे। फिर वो कह रहा है तो बताइए क्या बताना है उनको, उसके पास प्रारंभिक में कितनी धनराशि थी, मतलब प्रारंभिक में मतलब हम कह सकते हैं तो उसका वेतन कितना था, प्रारंभिक उस पर धनराशि कितनी थी, वो कुछ ही पूछ सकता है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, इसको 100% थी उसके पास धनराशि, कितनी थी या 100% धनराशि थी, ठीक है ना। तो 100% थी तो हम यहाँ इसको क्या मान लें, अपन यहाँ इसको मान लेते हैं x, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 4 से इसको काटा तो 4 चौके कितने हो गए 16, तो ये कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो ये, 2 जीरो ये है, तो ये हो जाएगा 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक यहाँ, तो ये हो जाएगा 4 लाख, तो ये हो गया हमारा कितना 4 लाख आंसर, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए आंसर, ठीक, नोट कर लेना इसको साथ में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 40% भोजन पर, तो मान लेते हैं मासिक वेतन है उसका 100% उसका क्या है मासिक वेतन, तो 40% वो खर्च कर देता है किस पर, भोजन पर। अब इसके पास बचा कितना, 60% इसका बच गया, मतलब शेष वेतन का एक तिहाई यातायात पर खर्च करता है, तो शेष वेतन का यातायात पर कितना करता है, एक तिहाई, मतलब एक तिहाई यातायात पर खर्च करता है, तो इसका मतलब ये बचा इसका कितना, इसका बच गया 20%, मतलब 20% ही यातायात पर खर्च करता है, ठीक। अब यातायात पर 20% करता है तो 60 में से 20 गया, तो हमारा बचेगा कितना, ये बचेगा 40%, कितना बचा ये 40% बच गया, ठीक। वो कह रहा है यातायात पर खर्च किया, फिर उसने कहा यदि वह है 4500 रुपये मासिक बचाता है, तो 4500 रुपये वो क्या कर रहा है, बचा रहा है, जो मतलब ये 4500 जो रुपये है वो भोजन और यातायात खर्च करने के बाद वो रुपये का आधा है, मतलब जो रुपए का खर्च करता है उसका वो कैसा है, आधा है। तो अपन क्या करते हैं इसका आधा, इसका कितना हो जाएगा 40%, तो 40% के बराबर जो हमारी वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4500। फिर उसने कहा उसका मासिक वेतन कितना है, तो मासिक वेतन है उसका 100%। फिर इधर अपन ने क्या मानेंगे, अपन इसको मान लेंगे एक्स मान लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्व, इसका हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काटा इसको, कितनी बार काटा 25 बार काटा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 0 25 25 का हो जाएगा कितना, 25 पंचे हो जाएगा कितना 125, ठीक है ना, तो 125 की 5 हो जाएंगी, है ना। अब इसका हो जाएगा कितना 12 कैरी, और 25 चौके 100, 100 और 12 112, तो ये आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो निकल के आएगा 11,250 आंसर, ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन में है ए ऑप्शन 11,250, ठीक, नोट कर लेना साथ में ही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बड़े बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, तो 60% एक बहुत बड़ा बगीचा है उसमें 60% नारियल के पेड़ हैं। अब टोटल कितने होते हैं पेड़, टोटल होंगे मान लेते 100% होंगे, लेकिन 100% पे कोई चर्चा नहीं है। उसने कहा 60% नारियल के पेड़ हैं, मतलब 40% कोई अदर पेड़ होंगे या और कुछ होगा, अब इसमें अपन आगे देखते हैं। उसने कहा नारियल के पेड़ों की संख्या के, अब नारियल के पेड़ों की संख्या कितनी है 40%, उसके के का मतलब क्या हो जाएगा इंटू 25% पेड़ किसके हैं, आम के हैं, तो 60 में से 25% पेड़ जो हैं वो किसके हैं, आम के हैं। तो अपन यहाँ करते हैं 60 × 25%, तो जो हो जाएगा 25 चौके 100 और 4 से काटा, तो जो हो जाएगा 15 चौके 60, मतलब ये आ जाएगा 15,
ठीक है ना, 15%। अब देखो उसने क्या कहा, उसने कहा कि 25% पेड़ किसके हैं, आम के हैं, तो मतलब आम का जो निकल के आया 15%, तो 60 में से 15% क्या हो जाएगा, इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो 60 में से 15% माइनस किया तो कितना बचेगा, ये हमारा 45% बचेगा, ठीक है ना। अब उसने आगे क्या कहा है, आगे की बढ़ते हैं। उसने कहा और आम के पेड़ों की संख्या 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। उसने कहा आम के पेड़ों की संख्या के, अब आम के पेड़ों की संख्या कितनी है, 15, अब इसके 20% पेड़ सेब के हैं, तो आमों की संख्या है कितनी, 15%। तो अपन यहाँ करते हैं 15% में से 20% जो पेड़ हैं वो किसके हैं, वो सेब के हैं, तो इसको अपन ने सॉल्व किया, तो 20 से काटा, 20 पंचे 100, 5 से काटा, 5 × 3 = 15, तो ये आ गया हमारा कितना, 3% पेड़ किसके हो गए, ये सेब के हो गए, ठीक है ना। फिर उसने आगे क्या कहा, यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है, इधर सेब की संख्या कितनी है पेड़ों की, 3%, और इधर कितनी है 1440, तो दोनों कैसे हैं, दोनों हैं बराबर। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि 3% इसको हटा देते हैं पहले, हाँ 3% किसके बराबर है, वो कह रहा है 1440 के बराबर है, ठीक। फिर उसने आगे क्या कहा है, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, तो कुल कितने पेड़ हैं, तो कुल तो 100% पेड़ होंगे, कुल कितने पेड़ हैं, 100% है ना, क्योंकि उसने कहा 60% जो पेड़ थे वो नारियल के पेड़ थे, तो कुल कितने होंगे, तो कुल तो 100% ही होंगे, तो 100% एक्स का निकाल देते हैं, परसेंट से परसेंट, 3 से काटा, 3 × 12 है ना, 2 × 5 और 3 × 8 = 24, 0 एक्स बराबर इसके से मल्टीप्लाई 48000, तो ये आ जाएगा कितना, 48000। अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 48000, मतलब ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लें, साथ में ही नोट कर लें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारा टाइप, ये हमारा 10 टाइप आ गया। अभी तक हमने 9 टाइप क्लियर कर लिए हैं और अब मैं टाइप नंबर 10 को करते हैं, ठीक। आप ध्यानपूर्वक देखें, बेसिक से अपन एडवांस की तरफ जा रहे हैं और आप बहुत अच्छे से इसको रिटन में आप भी एक नोट्स तैयार करना, जिससे हम किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं तो हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बजाएं, जिसके बाद आपके पास नोटिफिकेशन, प्रत्येक नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लाइक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि लाइक शेयर इसलिए करना ज़रूरी है कि जो व्यक्ति नहीं देख पा रहे हैं, उनके पास जो वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, तो उनके पास इसके माध्यम से वो इसका और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें क्वेश्चन जो नेक्स्ट है हमारा, वो क्वेश्चन है कि अब हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, वो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं चुनाव वाले, तो चुनाव पर आधारित जो सवाल बनते हैं उनको हम इस टाइप में देखते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन क्या है, तो उसने कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, तो हमेशा एक चुनाव में उम्मीदवार तो बहुत होते हैं, इसको समझ लीजिएगा, उम्मीदवार तो चुनाव में बहुत होते हैं, लेकिन मुकाबला 2 लोगों के बीच में होता है और 2 ही लोग बीच में हारते हैं या फिर जीतता है, फिर बाकी बाद में और जो व्यक्ति होते हैं वो कोई तीसरे स्थान पर रहता है, कोई चौथे स्थान पर रहता है, कोई पांचवें स्थान पर रहता है, उसके ऊपर हारना नहीं कहते, वो अपना स्थान पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हार जीत होती है वो 2 ही लोगों के बीच में होती है। तो आज हम पढ़ते हैं क्या है, चुनाव पर आधारित प्रश्न। जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिलता है, तो अब इसको समझिए, टोटल कितना वोट है, 100% वोट है, 100% में से ये 2 उम्मीदवार हैं,
एक उम्मीदवार है जिसको 60% वोट मिलता है और एक उम्मीदवार जो बचा तो उसको ऑटोमेटिक कितना वोट मिलेगा, 40% मिलेगा, ठीक है ना। अब आप इसमें समझिएगा कि जिसको 60% वोट मिला है, जिसको वोट ज़्यादा मिलता है वो क्या होता है, जीतता है, और जिसको वोट कम मिलता है वो हारता है, ये स्वाभाविक है। अब इसमें क्या है कि इसमें समझ गए हम कि जीतने वाला जो व्यक्ति है वो 60% वोट लेके आया है और हारने वाला जो व्यक्ति है वो 40% वोट लेके आया है, मतलब दोनों के बीच में जो हार जीत हुई है वो हुई है 20% से, 20% से जी जीता है और 20% से जी हारा है। आगे पढ़ते हैं, वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत जाता है। कितने वोटों से जीतता है वो, 14,000 वोटों के बहुमत से क्या होता है, जीतता है, मतलब इधर वो 20% से जीत रहा है, उधर 14,000 वोटों से जीत रहा है, तो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मतलब 20% के बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,000, तो 14,000 हो गया किसके, 20% के बराबर। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिले कितने, 60% वोट मिले, मिले कितने हैं 60%, तो 60% वोट मिले हैं। तो अब यहाँ पर वो पूछ रहा है वोट कितने मिले हैं, तो इधर कह रहा है 60% वोट मिले हैं, तो अब इसमें अपन क्या है निकाल लेंगे, इसका क्या करेंगे अपन, इसको सॉल्व कर लेते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, और 20 ये होते हैं 60, और 14 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तीन में, तो 14 ती हो जाएंगे 42, ठीक है ना, और इसमें हो जाएंगे 30, ठीक। तो उसको कितने वोट मिल गए, मतलब इसको वोट मिल गए 42,000 वोट मिले, ठीक है। तो हम इसका जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे 42,000 आंसर, इसको नोट करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अगला है, एक चुनाव में केवल दो उम्मीदवार हैं, केवल दो ही लड़ रहे हैं चुनाव, ठीक। एक उम्मीदवार को 40% वोट मिलता है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, एक तो टोटल वोट कितने हैं, टोटल वोट है 100%, तो एक उम्मीदवार को मिलता है 40% वोट, तो बताइए दूसरे को कितना मिलेगा, तो दूसरे को 60 मिलेगा, स्वाभाविक है। तो जीतेगा कौन, जो ज़्यादा लेके आएगा वो जीतने वाला होगा और जो कम लेके आएगा वो हारने वाला होगा, ठीक है ना। अब हार जीत कितने वोटों में हुई है, हार जीत हुई है 20% वोटों में। अब वो कह रहा है कि दूसरे वाले, क्या कहा उसने कि दूसरे उम्मीदवार से 298 वोटों से वो हार गया, तो क्या हुआ कि जो जीतने वाला जो व्यक्ति था वो 20% से जीता है, इधर कह रहा है कि ये हारने वाला जो व्यक्ति है वो इतने वोटों से हारा है, मतलब इससे जो इतने परसेंट से हारा है, तो दोनों हमारे ये क्या होंगे, दोनों हमारे इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो 20% तो यह हो जाएगा 20% इक्वल में हमारा कितना हो जाएगा, 298 हो जाएगा, ठीक। अब बोला चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार थे, अब वो जी कह रहा है कि चुनाव में कुल कितने उम्मीदवार थे, तो चुनाव में टोटल 100% उम्मीदवार थे, तो 100% का पुनिया क्या करेंगे, निकाल देंगे इसका 100%, तो यहाँ हम क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 20 से 100 काटा तो कितना आ गया, 5 आ गया, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जी हो जाएगा कितना, एक्स बराबर हो जाएगा ये 2, 1, 2 चौके 8, 2 9 में 18 और 0, जो हो जाएगा 1490, ठीक। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, टोटल वोट जो डाले गए वो डाले गए 1490 आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लें साथ में ही, पिछले वाले सवाल में क्या पूछा था उसने, पिछले वाले सवाल में पूछा था कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है वो कितने परसेंट, तो 60% लेके आया था, तो टोटल इतने वोट लेके आया। अब इस वाले में जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि टोटल, तो टोटल 100% है, अगर वो जीतने हारने वाला पूछता तो यहाँ जीतने हारने वाला रख देते, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें है दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा, एक उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 1600 वोटों से जीत गया, तो बताइए उसके कुल वोट कितने हैं, बहुत सिंपल, 100% टोटल वोट है,
100 में से जीतने वाला लेके आया 60% और हारने वाला लेके आएगा 40%। स्वाभाविक है कि हार जीत हुई 20% से, 1600 मतों से वो जीत गया तो 20% बराबर हो जाएंगे 1600 मत, इधर हो जाएगा 100%, इधर हो जाएगा x और 0 से 0 और 2 से काटा जी कितना हो जाएगा 880, तो x बराबर जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 8000। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जो वोट डाले गए थे वो थे 8000 वोट, तो हमारा जी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको स्पीड में ही करेंगे, जितना स्पीड में करेंगे उतना आपको अच्छा है, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम इसको समझते हैं, ठीक। इसमें क्या है कि एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, उसने कहा 3 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार। अब इसमें क्या है, पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिलते हैं, ठीक, दूसरे उम्मीदवार को 36% मिलते हैं, तो अपन क्या करते हैं 100% में से अपन इसके हिस्से बनाते हैं। 3 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को कितने मिले 40%, हर उसके दूसरे स्थान पर रहने वाले को मिले कितने 36%। अब 100 में से 36% ये निकल गए, 40% ये निकल गए, टोटल कितने वोट बचे, तो टोटल बचेंगे 24%, तो हम यहाँ रख देंगे 24% वोट हमारे ये बचे। अब इन दोनों के बीच में क्या हुई है, हार जीत हुई है, उसने तो अपना तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया, उसने कितना स्थान प्राप्त कर लिया, तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया है, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, 36% वोट मिले, यदि वो कह रहा है कुल वोट जो थे, मतलब 100% जो वोट थे, तो 100% वोट थे वो कितने वोट हैं, टोटल 36000 वोट डाले गए, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं, तीसरे उम्मीदवार को मिले हैं 24% वोट, किसको मिले हैं भाई 24% वोट मिले हैं तीसरे उम्मीदवार को, तो 20 से 20 हम यहाँ पर क्या कर देंगे, काट देंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं इसमें कि 36 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसका 36 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो हमारे कितना आंसर आ जाएगा, तो हमें इसका मल्टीप्लाई याद है तो हम इसका रख देते हैं 8640, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा 8640, आप इसका मल्टीप्लाई करके इसको देख लेना, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कौन सा व्यक्ति है, तीसरे स्थान पर रहने वाला व्यक्ति, तीसरे स्थान पर ही तो मिले 24% वोट, ठीक, इसको नोट कर लो साथ में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो 8% मतदाताओं ने वोट का प्रयोग नहीं किया है तो अब हमारे पास कितने वोट डले, तो ये बटने तो 100% में से 8% नहीं डले गए, तो ये डले गए 92%, तो 92% ये वोट डाले गए। अब 92 में फिर वो क्या कहता है, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में केवल 2 ही उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोट का 48% मिला, कुल वोट का 48% मतलब 48% इसको मिल गया, तो अब इसको कितना मिल जाएगा, फिर इसको मिल जाएगा 48 और 4 जो हो जाएगा 44, तो 44% इसको मिल गया, तो जीतने वाले को मिल गया 48% और हारने वाले को मिल गया 44%। तो इसमें हार जीत कितने से हुई है, हार जीत हुई है 4% से, 4% से जी जीता है और 4% से जी हारा है। अब हम आगे देखते हैं, उसने 1400 मतों से विजय प्राप्त की, जो जीता है वो कितने परसेंट से जीता, 4% से, इधर कह रहा है वो 1100 मतों से जीता है, कितने मतों से जीता, वो 1100 मतों से वो जीत गया, तो हमारा क्या हो जाएगा 4% के बराबर हो जाएगा, ये 1100 मत हो जाएंगे, 4% के बराबर क्या हो जाएगा 1100 मत। आगे उसने बोला कुल कितने मतदाता थे, तो कुल कितने मतदाता थे, तो 100% मतदाता थे, ठीक है ना, कुल कितने मतदाता थे 100%, तो 100% मतदाता थे, तो क्या हो जाएगा एक्स वैल्यू मान लेंगे इसके अपन, है ना, तो 4 से काट दो इसको, परसेंट से परसेंट काट दो, 4 से काटा कितना आ गया 25, तो इसका हो जाएगा x बराबर 0 0, 25 की 5, 25 और 1 26, 26 और 1 27 हो जाएगा इसका, तो जाएगा 27500, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 27500, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ऑप्शन 27500, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट
डाले। तो 75 मतलब 100 में से 75 मतदाताओं ने क्या किए, वोट डाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 75 हैं डालने वाले, और ना डालने वाले कितने हैं फिर, 25 हैं, 25 नहीं डाले। अब 75 में भी अब क्या हो रहा है, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित हो गए, मतलब 75% डाले गए और 75 में से 2% जो वोट हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए। क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व कर लो, 75 दूनी हो जाएगा कितना, 150 है ना, इसका इसमें पॉइंट, तो अपना जो आंसर कितना आ जाएगा, 1.50। ठीक, अब 1.50 अपने पास वोट कितने थे, वोट थे अपने पास 75%, और 75% में से 1.50 ये माइनस हो गए, तो अब जो वोटों की संख्या जो बची वो बची कितनी, 73.5। अब जो जो वोट बचे हैं टोटल वो बचे हैं 73.5%, अब वोटों की संख्या बची है। ठीक, अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले जो वैध मतों का 75% है। वो जी कह रहा है जो एक उम्मीदवार है उसको 9,261 वोट मिले, 9,261 वोट, तो वो किसके बराबर है, वो है वैध मतों का 75%। तो वैध मत का 75%, तो अपन यहाँ क्या करते हैं, अपन यहाँ करते हैं वैध मत है 73.5 का, अब देखो जी परसेंट है तो इसका परसेंट जी आ गया, ठीक है, वैध मतों का कितना है 75%, उसने कहा वैध मतों का 75% है। ठीक, अब जो किसके बराबर हो जाएगा, जो हो जाएगा 9,261 के बराबर। ठीक, अब वो कह रहा है चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, तो चुनाव में है 100% मतदाता, तो 100% मान लो यहाँ, तो यहाँ अपन क्या कर दें, एक्स मान लेते हैं इसको, अब इसको अपन पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 16,800। तो आप इसको याद कर, इसको आप कैलकुलेशन करना पूरी, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 16,800, ठीक है ना। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी आंसर। आप लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे, अभी करिए, और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में आप आंसर लगाएंगे 16,800। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 71। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं वो 70 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 71 क्वेश्चन पे, और ये हमारा नेक्स्ट टाइप नंबर जो हमारा है अब है टाइप नंबर 11। इस टाइप को देखते हैं, इस टाइप में हम अभी तक हम 10 टाइप कर चुके हैं, ये 11वां टाइप है। तो 11वें टाइप पे जो क्वेश्चन है हमारे वो क्वेश्चन है मिश्रण के, मिश्रण के क्वेश्चन है, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें सभी प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे पहली वीडियो, जिस व्यक्ति ने पहली वीडियो नहीं देखी है वो सभी लोग पहली वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे परसेंटेज का महत्व पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण है परसेंटेज, किस किस में आता है परसेंटेज। पहली वीडियो को देखना न भूलें, ये हमारी जो तीसरी वीडियो चल रही है इसको बहुत अच्छे से देखें। आप पूरा वीडियो को देखें, जब तक पूरा वीडियो ना देख पाएँ तब तक आप उसको बंद बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। अगला जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मिश्रण पर आधारित प्रश्न है। दूध और पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में, तो क्या कह रहा है वो, दूध और पानी है, दूध है और क्या है, पानी है, तो मिल्क और वाटर, तो वो क्या कह रहा है 40% मिश्रण में, तो 40% का मिश्रण है दूध और पानी का, दूध का है और पानी का है, ठीक है, दूध का और पानी का 40% का क्या है, मिश्रण है। अब उसने कहा कि 10% पानी है, 40 में 10% पानी है, तो 40 में 10% पानी है, तो हम क्या करते हैं कि 40 का 10%, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 लीटर पानी है और 40 में से 4 लीटर को माइनस कर दो तो बचा कितना है 36, मतलब 36 लीटर दूध है तो 4 लीटर पानी है। अब वो आगे क्या कहता है कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए,
इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, 4 लीटर तो पानी है ही है, तो इसमें 4 लीटर में हम कितना पानी और मिलाएं कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% जाए। तो 20% हो जाए तो मतलब क्या कह रहा है, नया जो मिश्रण बनेगा उसमें हमारी पानी की जो मात्रा होगी वो होगी 20%, 20% पानी की मात्रा हो जाए। तो अब हमारा क्या था कि दूध जो है वो कितना है, 36, तो दूध है 36, तो जी किसके बराबर होगा, तो जी तो 20% निकल गया 100 में से, तो जी हो जाएगा 80%। ठीक, परसेंट से परसेंट कैंसिल, और इसको काटा 20 से, 20 चौके 80, 4 से काटा 4 में 36, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 4, तो x बराबर जो वैल्यू आई वो आ गई 5, तो हमारा जो आंसर आया वो आ जाएगा 5 लीटर पानी और मिलाया जाएगा, तब 20% पानी होगा और 80% दूध होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 5 लीटर आंसर। नोट करें साथ में ही, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 लीटर ग्लिसरीन है, 50 लीटर क्या है, ग्लिसरीन है, और एक सैंपल में 20% मिलावट है, तो 50 लीटर ग्लिसरीन है, एक सैंपल, दो तरीके के सैंपल है, एक शुद्ध ग्लिसरीन वाला है और एक मिलावट वाला है ना, तो अपन यहाँ लिख देते हैं, एक तो शुद्ध है और एक मिलावट वाला है। ठीक, तो 20% सैंपल कैसा है भाई, 20% सैंपल है मिलावट वाला, तो हम इसमें क्या करते हैं कि 50 का 20% निकाल लेते हैं, तो जी आ गया हमारा 5 × 2 = 10, 10 लीटर, मतलब 50 में से 10 माइनस किया तो हो जाएगा ये 40, मतलब 40:10 आ गया। ठीक, अब उसने कहा तो कितने शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें और मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर मात्र 5% रह जाए, इसमें शुद्ध ग्लिसरीन और मिला दें, कितनी मिला दें, मतलब 40 लीटर तो है ही है ना, 40 लीटर है और मिलावट वाला है 10 लीटर, तो इसमें कितना और मिला दें, मतलब 40 में और कितना प्लस कर दें, 40 में और कितना प्लस कर दें कि मिलावट वाला जो है वो कितना रह जाए, मिलावट वाला 5% रह जाए, तो जी कितना परसेंट हो जाए, तो जी 95% हो जाए, तो टोटल कितना होता है 100%, तो मिलावट वाला कितना रह जाए 5%, तो शुद्ध वाला कितना हो जाए 95%। अब अगर आप इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व किया परसेंट से परसेंट, 5 से काटा 5 × 2 = 10, 9 × 2 = 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हो जाएगा 40 + x = 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो 190। ठीक, 190 इधर जाएगा 40, तो जो हो जाएगा 190 - 40, तो हो जाएगा x बराबर 150। ठीक है ना, तो 150 और मिला दिया जाए तो वह 95% हो जाएगा और वो 5% ही रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 150। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नोट कर लें साथ में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 लीटर के अल्कोहल और पानी के मिश्रण में, तो 5 लीटर का मिश्रण है, मिश्रण कितने लीटर का है, 5 लीटर का मिश्रण है, ठीक है ना, 5 का, अब 5 में वगैरह अल्कोहल भी है, अल्कोहल है और क्या है, पानी है, तो 40% अल्कोहल है, 40% क्या है, अल्कोहल है, तो 5 में से 40% अल्कोहल निकाल देंगे, बीस से काटा इसको, 20 × 5 = 20, 5 से जी काटा, 2 अल्कोहल है और तो पानी कितना है फिर, 5 में से 2 को माइनस किया, मतलब 3 लीटर पानी है और 2 लीटर अल्कोहल है। ठीक, अब इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, अभी तक कितना था मिश्रण, 5, 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो कितना लीटर हो जाएगा, ये 6 लीटर, तो अब हो जाएगा कितना, 6, तो इसमें 1 लीटर अपन ने और पानी मिला दिया,
तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कुल हो जाएगा 6। तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है, नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है, तो टोटल कितना मान लें अपन 100% है। तो अपन यहाँ क्या करते हैं कि 6, तो 6 जो है वो किसके बराबर है, 100% के बराबर, ठीक है। अब अल्कोहल पूछ रहा है तो अल्कोहल है कितना, 2, तो 2 अल्कोहल है, तो यहाँ कितना है फिर x है, तो 2 3 6 है, और 3 का इसमें डिवाइड दिया तो 33 सही 1/3% हमारा क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा कहाँ है, 33 सही 1/3% आंसर, नोट कर लें। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 200 लीटर के एक मिश्रण में, तो 200 लीटर का मिश्रण है, अब उसमें कह रहा है 15% पानी है, शेष दूध है। तो अपन यहाँ क्या करते हैं, पानी है और दूध है, तो 200 में से 15% पानी है, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, अब टोटल है 200 में से 30 गया तो दूध रह जाएगा कितना, 100, दूध रह जाएगा 170, और पानी कितना है 30। अब उसने आगे कहा इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, तो दूध है कितना अभी 170, अब इसमें कितना दूध मिलाया जाए, तो 170 में x दूध मिलाया जाए, कितना दूध मिलाया जाए कि नए मिश्रण में इतना परसेंट दूध हो। तो मतलब वो कह रहा है 87.5% 87.5% दूध हो, तो फिर बचेगा कितना, फिर ये बचेगा 12.5% क्या बचाइए पानी बचा, तो पानी है कितना अपना 30 लीटर पानी 5.5% के बराबर बचा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, परसेंट से परसेंट कट गया। अब इसको अपन काट देंगे, तो इसको काटेंगे तो हम क्या करते हैं, इसको 25 से काटा, 25 पंचे 125 से इसको काटा तो 8 चौके 32 8 पंचे 40 30 9 बार कटा, नहीं 8 चौके 32 32 और 3 35 मतलब ये कटेगा 35 बार, ठीक है। अब इसको अपन काट देंगे 5 से 5 7 35 और 7 3 21 तो 170 प्लस x तो 210, तो x बराबर 210 माइनस 170, तो x बराबर 170 इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, ये 40। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40 लीटर दूध और मिलाया जाए तब उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 87.5% के बराबर होगी। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि दो चीनी के मिश्रण में क्रमशः 15% और 40% चीनी है, दो प्रकार की चीनी है, एक 15% और एक 40% चीनी है। तो अपन ने लिख लिया यहाँ 15% और यहाँ लिख लिया अपन ने 40% चीनी है को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% चीनी हो जाए, तो इसको मिला दो, 30% चीनी कर दो, तो 40 में से 30 गए तो 10 बचे, और 30 में से 15 गए तो 15 बचे, तो 10 5 2 10 और 5 3 15 अपना आंसर आ जाएगा 2:3, तो आंसर हो जाएगा 2:3। इसको मिश्रण में हम और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, और अभी हम यहाँ पर इतना ही पढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक पात्र में एसिड है और पानी का मिश्रण है 60 लीटर, तो 60 लीटर है, एक एसिड है, ठीक है ना, एक एसिड है और एक क्या है, पानी है, ठीक है। पानी और एसिड का जो मिश्रण है वो 60 लीटर का है। फिर आगे उसने कहा 80 लीटर एसिड है,
तो 60 में से 80% एसिड है, 80%, तो 80% एसिड है तो 8 छंगे कितना है 48, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 48, तो हमारा ये बच जाएगा कितना 12। तो 12 लीटर क्या बच गया, हमारा पानी बच गया, ठीक है ना, 12 लीटर पानी है। ठीक, अब उसने आगे क्या कहा है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी कितना है 12, तो 12 में कितना पानी मिलाया जाए, 12 में कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में एसिड की कितनी मात्रा हो जाए 60%, तो एसिड है कितना 48, इधर कह रहा है 60% हो जाए, तो ये कितना बचेगा पानी, पानी बचेगा 40%। ठीक है, तो परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, ठीक, छः से काटो इसको, 8 बार कटा, 8 छः 48, 8 तो x, 12x इक्वल प्लस x इक्वल ये हो जाएगा 8, 8 चौके हो जाएगा ये 32, तो x बराबर 32 माइनस 12, तो x बराबर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 20। तो 20 लीटर और पानी मिलाया जाएगा तब वह है 40% के बराबर होगा, तो आंसर हो जाएगा 20%। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल है और क्या है पानी है, तो 15 लीटर मिश्रण है तो इसमें अल्कोहल है, अल्कोहल है और क्या है पानी है। ठीक है, अब 15 लीटर मिश्रण है, 15 लीटर का, तो 15 लीटर में अल्कोहल की मात्रा है और किसकी है पानी की मात्रा है, तो अपन इसको क्या करते हैं, तो इसको अपन आगे पढ़ते हैं, 1:4 का अनुपात है, मतलब 1 अल्कोहल है तो पानी कितना है 4 है। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें तो कितना है अनुपात, टोटल 15 का अनुपात है, अगर हम 15 का इसमें डिवाइड दे दें तो हमारे इसमें क्या है अनुपात की संख्या निकल आएगी, तो हम क्या करते हैं, सॉरी 15 नहीं 5 है, ये कितना है ये 5 है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, 5 टोटल है तो 15 इधर टोटल है, तो 15 में दिया हमने 5 का डिवाइड, 5 × 15, तो इसका मतलब हो गया 3 लीटर तो अल्कोहल है और 3 × 12 लीटर हमारा क्या है पानी है, इससे हमारा निकल आया 3 लीटर अल्कोहल है और 12 लीटर क्या है पानी है, तो 3 लीटर पानी इसमें मिला दिया जाए, यदि 3 लीटर पानी और मिला दें तो जो 15 था तो अब जो बढ़ करके कितना हो जाएगा मिश्रण 18 हो जाएगा, 18 लीटर का हो जाएगा, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताइए कितना है, तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना है, फिर कह रहा है वो यदि 3 लीटर पानी इसमें और मिला दिया जाए, कितने लीटर पानी मिला दिया जाए 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो टोटल मिश्रण जो हुआ वो कितना हो गया 18 हो गया। ठीक है ना, टोटल 18 लीटर का मिश्रण हो गया। ठीक, अब उसने कहा कि नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत बताइए, तो अल्कोहल का प्रतिशत बताना है अपन को, तो 3 लीटर अल्कोहल है और अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, तो मान लेते हैं एक्स परसेंट होगा। ठीक है, और टोटल कितना है 18, तो टोटल 18, तो 18 किसके बराबर होगा 100% के बराबर होगा। अब इसका परसेंट निकाल, 3 से काटा 3 × 6 = 18, 2 से काटा 2 × 3 = 6 और 2 से काटा 50, तो x बराबर जो वैल्यू आई वो आई 50/3, मतलब 3 का इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगी 16/2/3%, तो आंसर हो जाएगा हमारा 16/2/3%, कहाँ पर है बी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है, तो उसने कहा 2 किलोग्राम का मिश्रण है, 2 में 30% तांबा है, अब 2 में 30% तांबा है ना, तो इसका 0 से एक 0 कटा, 3 × 6 मतलब 0.6, 0.6 क्या है ये 0.6 ये तांबा है। ठीक, अगर इसमें क्या है कि ये हमारा दिया किस में गया है किलोग्राम, ठीक है, अगर हम इसको
ऑप्शन के जरिए से देखें तो ये ग्राम में दिया गया है ना। तो इसको अपन क्या करेंगे, 2 किलो को ग्राम में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000 ग्राम। ठीक, तो इसको हम 2000 ग्राम मान लेते हैं। ठीक है, 2000 ग्राम। ठीक, अब इसका जो 2 की जगह पर है उसको हम क्या मान लें, 2000 मान लेते हैं इसको। अब क्या है, वैल्यू पूरी कट जाएगी तो 3 × 2 = 6, तो जो हो जाएगा हमारा 600। ठीक, 3 × 2 = 6 कितना हो जाएगा, 600। अब 600 क्या है, ये तावा है। ठीक, इस मिश्रण में कितना एल्यूमिनियम पाउडर और मिलाया जाए, तो एल्यूमिनियम पाउडर फिर कितना है, तो 2000 में से 600 माइनस कर दो। ठीक, तो जो बचेगा कितना, 1400। तो एल्यूमिनियम पाउडर कितना बचा है, 1400। इसमें कितना और मिलाया जाए, तो X मिलाया जाए, और तावा कितना है, 600। अब इसको अपन आगे पढ़ते हैं, जिसमें तावा का अनुपात 20% हो जाए, तो तावा का अनुपात 20% है तो एल्यूमिनियम का अनुपात कितना हो जाएगा, 80%। परसेंट से परसेंट यहाँ कितनी बार कटा है, 4 बार, 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। चौबीस, 1400 उधर जाएंगे तो 2400 में से 1400 माइनस होंगे तो ये बच जाएगा कितना, 1000। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1000 ग्राम में ये आंसर आ जाएगा, तो आंसर लगा देंगे अपन 1000 ग्राम आंसर, इसको नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक मिश्रण में 20% तावा है, एक मिश्रण में क्या है, 20% का क्या है, तावा है, तो 20% का तावा है, तो फिर उसने कहा तो 69 किलोग्राम तावा पाने के लिए कितना मिश्र धातु की ज़रूरत होगी, कितने मिश्र धातु की ज़रूरत होगी। तो इसमें देखिए कि 12% क्या है, तावा है, तो हमने ले लिया 12% तावा है। ठीक, 69, ठीक, तो 12% तावा है, तो कितना है, 69 किलोग्राम तावा पाने के लिए, तो 69 किलोग्राम तावा पाना है तो 12% के बराबर अपन कर देंगे 69। ठीक, और 100% तो कितनी मिश्र धातु की ज़रूरत पड़ेगी, तो कितनी मिश्र धातु की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ 100% मान लेते हैं इसको, तो इसको क्या करते हैं, यहाँ परसेंट रहेगा तो परसेंट से परसेंट कैंसिल और ना, और इसको आप काट देंगे, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से काटो इसको, 3 से काटो, 3 × 4 = 12, 3 से काटा, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, और 4 से इसको काट देंगे तो जाएगा 25, तो x बराबर 25 का 23 में मल्टीप्लाई होगा, तो 25 का 23 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ये 575। ठीक, किलोग्राम, 25 × 75 की 5, हासिल 7, 25 × 2 = 50 और 7 = 57। ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 575 आंसर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजे फल में 68% पानी है, कितना सिंपल क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है, ताजे फल में 68% पानी है, तो अपन यहाँ लिखते हैं ताजे फल हैं उसमें 68% पानी है, तथा सूखे फल में कितना परसेंट, 20% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, ये ताजे फल हैं, हम यहाँ लिख देते हैं ये ताजे फल हैं और ये कैसे हैं, सूखे फल हैं। ठीक, फिर उसने कहा तो 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, 100 किलोग्राम में से कितने सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो देखो ये ताजे फल में पानी की मात्रा कितनी, 68 है ना, तो इसमें सूखे कितने हैं, फिर 68 को इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, 10 में से जो हो जाएगा 32, ठीक है, 32% ये सूखा हो गया। ठीक, अब आगे
20% पानी है सूखे फलों में, तो 100 में से 20% यहाँ माइनस कर दिया तो हमारा कितना बचेगा, ये 80% हमारा ये बच गया। ठीक, अब उसने कहा क्या है कि 100 किलोग्राम ताजे फल, तो 100 किलोग्राम अपने ताजे फल लिए। ठीक, ताजे फलों में से कितना किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, तो कितने किलोग्राम सूखे फल निकाले जा सकते हैं, तो अपन इसका निकाल लेते हैं। ये कितना 100 किलोग्राम, तो ताजे फल का कितना है 32 इक्वल 80 किलोग्राम सूखे फल हैं, तो कितने निकाले जा सकते हैं, तो x निकाले जा सकते हैं, 0 से 0 कट गया, 8 से काटो 8 चौके 32, तो x बराबर आ गया 40 किलोग्राम, तो 40 किलोग्राम निकाले जा सकते हैं। ठीक, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम जो क्लास लेंगे वो हमारी फोर्थ क्लास रहेगी। इसके बाद के जो टाइप हैं हम अगली वीडियो में पढ़ते हैं। जिन व्यक्तियों ने इसको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर बजा दें, और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से आप उस समस्या को दूर कर सकते हैं। और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। जो विद्यार्थी हैं, जो दोस्त हैं, जो भी लोग हैं जिस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। अगले क्लास में हम मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में।